तो भाई स्वागत है आपका नए व्लॉग में, क्योंकि अगले दिन मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ काम की अपडेट। पापा जी ने खिंचवा दिया है काम पूरा, बहुत बढ़िया। हाथ और खींच जाएगा, क्या बात है। सारे लग रहे हैं आप अपने काम पे। पापा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अरे क्या बात है भाई, पूरी मेहनत कर रहे हो है भाई, पूरी मेहनत कर रहे हो भाई। अब ये बेचारे ये कर रहे हैं थोड़ा काम, उस पर निशान लगवा दो, मैं भी कर लूं। अरे गाड़ी बनवा ली, उस पर निशान लगवा दो, मैं भी मशीन चला दूं। निशान तो लगे हैं, बस तो फिर अभी आके करता हूँ मैं। एक बार चलता हट्टा लिया हूँ और रस्वी का बोनबीटा लिया हूँ भाई, नहीं तो वो घुसा करती रस्वी घुसा। आज तो गाइस धूप के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया धूप आ रही है आज। क्या करने धूप के, धूप इतनी बढ़िया लग रही है, वह पूछो मत। क्योंकि इस दिन ठंड होगी ना, उसके बाद धूप बहुत बढ़िया लग रही है। फुल धूप आ रखी है, एकदम फुल लिया। बहुत धन्यवाद। तो गाइस आटा तो ले लिया, बॉर्नविटा हो गया लेते हैं। बॉर्नविटा भी ले लिया। तो गाइस सामान लिया है, पर सबसे भारी काम लगता है जो ऊपर चढ़ाना, सबसे भारी काम लगता है। खैर अब थोड़े दिन की समस्या ये, लिफ्ट लगवा देंगे पापा जी। हाँ भाई क्या कर रहा है? सफाई कर रहा हूँ। हाँ सफाई मम्मी कर देगी बेटा। यशवी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सरप्राइज है यशवी के लिए। यशवी जल्दी आओ। आपको पता है आज जो आकर आपने मांगा था वो आ जाएगा, अभी नहीं शाम तक आएगा। आपको जब यशवी का आएगा उसके बाद लेने आपको दिलाने चलूंगा, ठीक है? ऊपर देख, ठीक है? ओके पापा, तब शाम हो जाएगी, तब पढ़ाई करूंगा, तब आएगा। हाँ अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। डांडिया खेल के दिखाओ एक बार, ये खेल के दिखाओ स्टिक से कैसे खेलते हो, डांस करके दिखाओ स्टिक वाला, ऐसे गोल गोल भी तो घूमो। आहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हेलो गाइस, पापा हुक्का बना रहे हैं। दादू का? हाँ दादू का हुक्का बना रहा हूँ मैं। अच्छा और यशवी क्या कर रही है? मैं ब्लॉग बना रही हूँ। पापा का ब्लॉग बना रहे हैं, आ गया आपको बनाना, कैसे बनाते हैं? हाँ किसने सिखाया? अरे कल बनाया था। कल भी बनाया था? हाँ। अच्छा बहुत समझदार गुड गर्ल हो गया। मैंने आपको कल दिखा था। अच्छा हाँ। भाई का बनाओ, भाई क्या कर रहा है? हाँ हेलो गाइस, देखो भाई क्या कर रहा है, कैसे दिखाओ, कैसे दिखाना। हेलो लाओ गाइस, थैंक यू यशवी, थैंक यू वानिका। वानिका किसका नाम है? मेरा। यक्षित किसका नाम है? भाई। ओके तो गाइस इन बच्चों के नाम चेंज करा दिए, इसका वानिका और उसका यक्षित। कहाँ रख गया पापा जी ने होका? कहाँ रख गया पापा? लो आपकी सेवा में हाजिर। और हेमराज जी काम कर रहे हैं यहाँ पे, खुशी राम काम कर रहे हैं, विकास काम कर रहा है, शिवपाल काम कर रहा है, ये मामा भी आ रखा है यहाँ पे, समाज का मामा है ये, समाज का। और बहुत ज्ञान मनुष्य कम जाए, वो इसलिए
ये समझ गया मामा मिला। भाई साहब मुकेश भी है शिवपाल भी है सारे काम कर रहे हैं। मुकेश का फोटो दिखा दिया है, काम भी बढ़िया कर रहा है, जचा जचा के रख रहा है। दो बोरी का मसाला अब तक लग गया है ना शिवपाल? दो बोरी तीन बोरी? दो बोरी। दो बोरी सब आ जाए, ठुमक ठुमक के चलना, धीरे से पैर ना फिसल जाए। और ये हमारे मामा जी, क्या हाल है? बढ़िया। बैठ जाऊंगा पापा जी, मैं आप चिंता मत करो, मैं बैठ जाऊंगा, आप होकर एंजॉय करो। क्या बात है। तो भाई यहाँ पापा जी आपको एक लाइन सुनाना चाहते हैं, भजन की सुना जी। इसको पहले कर ऐसे नहीं आ जाओ, कह रहे थे ना उससे, ये सफेद सलमा तो बोलो शुरू कर दो ना। आ जाओ, वो पहला था ना, उसके बाद सीधे अपने आप ही हो जाता है। शुरू कर दो। माया की धार में जग बह गया, बह गया संसार सारा बह गया। ओ माया की धार में जग बह गया। तो पापा जी इसमें मैं तो नहीं आता ना इस लाइन का। अरे तुमने वो बोल रहे थे ना, तो वो जब है क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था वो भाई? मैं इस बारे में बोले है भाई, बैठ जा तो तेरा दुखी ना करना चाहते। ये हट जाता हमने कोई दिक्कत है ना, ये बेकार में लाड प्यार घर गृहस्थी का वो आ रहा था, एक बेटा दुखी ना हो जाए भाई, चल बैठ जा कोई ना, इसलिए बैठ जाए। मोह और माया क्या होता है? मोह और माया किस चीज को बोलते हो आप पापा जी, थोड़ा विस्तार रूप में समझाओ ना। हाँ बिल्कुल समझाओ, मोह और माया क्या बोलते हो? अरे माया तो धन हो गया, पैसा। माया ये तो आम नाम है धन, वैसे माया परिवार में उसमें जैसे बच्चे के कुछ हो जाए तो ये सोचे माँ बाप मेरे हो गया। अच्छा ये तो सब नहीं गया। अरे असली क्या भाई, मेरा फर्ज हुआ है बेटे को, पर ये गलती कर रही हूँ, बाकी तुम दया दिखाने लीजिए, बच्चों पर दया दिखा के संस्कार। सही बात है, और ये मेरी गलती है, मैं उससे माफी मांगू। किससे? यस से माफी। क्यों? अब मैंने कह दिया मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, ये कहना था काम कर, आज काम करेगा कल सुखी रहेगा, आज तेरे को काम करूंगा पापा उठाऊंगा, तो वही बात है, आलस्य हो जाएगा, आलस्य आ जाएगा तो काम नहीं करेगा। ये बात जीवन में दुख पाएगा। ये बात ये होती है पापा वाली बात, अच्छी बात है। स्वार्थ ये होती है वो तो भाई, घर गृहस्थी का वो जो है ना, मोह माया में ना फंसना, पर जिम्मेवारी अपनी समझ रही, निस्वार्थ है ये। पर ये हाँ मेरे से गलती होगी, मगर कुर्सी पे बैठ जाए कोई बात नहीं। तो उसमें याद आ गया मेरा कि मैं खुद ही फंस गया मोह माया के जाल में, मोह माया की धार में नहीं बैठा। सही बात है। अभी मैं मसाला पकड़ा देता हूँ, अरे पकड़ा देता हूँ, काम करता हूँ। पर जो और काम है ना, ये तो नहीं दूसरी गई अपने आप में, तेरे जिम्मे के जो काम है ना, वो वेल्डिंग वाला ग्रिल वाला उसको बुला कर उसकी सेटिंग करके ना उन्हें वो बनवा, ठीक है, इसे काम पकड़ो। बिजली वाले प्लम्बर है उसको पकड़े ऊपर, ऊपर बिजली वाले का काम करवा, उसमें देखा उसमें प्लस्तर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिजली वाला लगे कल आया था लगे नहीं करा, प्लम्बर का काम करो आगे प्लस्तर की चाल बढ़े, इस समय भी बिजली का प्लम्बर का करो आगे चाल बढ़े, नहीं तो अगुन के बिना तो प्लस्तर होएगा नहीं। ठीक है पापा जी, मैं अभी जाता हूँ। ये पर हम दोबारा तिबारा कहते हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता कि भाई कहीं हो जाए यार, एक बात तो तीन पापा जी मजा तो जब आवा एक बड़ी सारा कर पापा जी। अभी अभी तो आपने बोला, अभी मैं देख सकता हूँ, दोबारा तिबारा तो बोला ही नहीं आपने, आप वीडियो पे ऐसी बात बोल रहे। अरे दोबारा तिबारा अगर बोलूँगा तो ये लगता है मेरे को फील होता है यार, मैं तो इसके पीछे ही पड़ गया, मेरे को ये फील होता है, इसलिए फिर वो ना भाई यहाँ पर कटने लग रहा है, सरिया बिजली का सामान सारा आ गया है, अब चलते ऊपर देखने का। पापा जी देखा पापा लग कर देखो देखा, हालांकि मैं देख लेता हूँ, पापा को बताता नहीं हूँ, आज वीडियो प्रूफ बना के ले जाऊँगा पापा के लिए। सही है ना गाइस? देखा
प्लास्टर वो होगा धोखा यार, कल्लू सेट करने लग रहा है प्लास्टर का। लो क्या हाल है? बस बढ़िया है। अच्छा मैंने कह रखी है ना बचा हुआ मसाला नहीं लगाना। नहीं वो तो हम ऐसे छोड़ जाए, जैसे थोड़ा बहुत बचता है वो उसको यूज नहीं करना। ये देखो कल किया था उसी ऐसे ही पड़ा है। एक हाथ करनी पड़ जाए उसको यूज मत करना, नहीं तो फिर बाद में है ना फिर वो उखड़ जाता है। के अभी उस कमरे का देखो, उस कमरे में पड़ा है, इधर का इधर पड़ा है। हाँ यूज नहीं करना उसको, फ्रेश बना के उतना ही बनाओ जितना लगना है, फ्रेश फ्रेश। ये बच्चा 5 बार बनाते हैं शाम के टाइम, फिर ये सही हो जाता है ना भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत देता है फिर। हाँ, उतर जाता है वो जड़ के, गैस निकल जाता है। हाँ इसलिए तो घर के जो बच जाए उसको पड़े रहने दिया, अगर हमने नया बना के लगाया करो। होगा प्लस सारे के यहाँ का तो बाद में करेगा, अभी उसका बाथरूम का किचन का उसका करेगा। हैं यहाँ पे भी होगा प्लास्टर। बस पापा जी से पूछना है कितने में टाइम लगाओगे, उसके प्लास्टर के बाद सब झाड़ू मार देगा ना, बाद में काटने की जरूरत पड़ेगी। फिर हम एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं बिजली वाले का कितना काम होगा, क्योंकि यहाँ से प्लास्टर और पीछे ऊपर ही जाएंगे। बल्ब लगा के ओम बोले मेरे इसके तो कुछ नहीं हुआ अभी तो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, ओम भले स्लैब डालेंगे, स्लैब की तैयारी हो गई है, प्लम्बर जीरी काटने लग गया है। जीरी काट दी, बिजली वाले आए नहीं अभी, फोन करता हूँ। हाँ फोन करना पड़ेगा, फोन करते हैं फिर और ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पे बीम बांधने लग रहे हैं, कल तक बन जाएगी, कल नहीं परसों बन जाएगा, कल तक बन जाएगा। फिर लेंटर की तैयारी सोमवार को। हाँ भाई दुखपाल कब तक? कल हो जाएगा। कल फाइनल? कल फाइनल जी। ओके बहुत अच्छी बात है भाई, कल फाइनल हो जाएगा तो। हाँ ये हमेशा कहता वीडियो बढ़ाओ वीडियो, ले भाई ये सुना बता, बीम बंद गए? हाँ बंद गए। बन गए तो लाल रंग डाल रहा है यार। हाँ। कई दिन में दिखाते कहाँ जा रहा था? चल रहे थे मंगलापुरी ना। हाँ। पास में। हाँ। डल गया एक उसका? नहीं। कितना होगा? कॉलम सारे बंद गए, खाली ढलाई हो रही है। अच्छा बढ़िया भाई, फटाफट करते जाएं काम और ऊपर पहुंचते जाएं। तो गाइस यहाँ पे चाय और लड्डू एंजॉय कर रहे हैं सारे, यहाँ पे पापा जी एंजॉय कर रहे हैं।